ओम शांति। श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाने जा रहे हैं। श्री कृष्ण का राज्य था भारतवर्ष में, फिर से पुनः उस श्री कृष्ण की राज्य की स्थापना के लिए हम सभी बच्चे पावन बनकर पवित्र दुनिया में चलने की तैयारी कर रहे हैं। आज थोड़ा सा रास का दृश्य देख करके आपको खुशी होती है, परंतु उस राज्य में, श्री कृष्ण के राज्य में, तो सभी जितने भी देवी देवता हैं सभी नाचते गाते झूलते ईश्वरी गुणों का गुणगान करते, ऐसी दुनिया आने वाली है। और ऐसी दुनिया में चलने के लिए हर एक आत्मा को अपना रिजर्वेशन कराना होगा। ऐसी सतयुगी श्रेष्ठ श्रेष्ठाचारी दुनिया में चलने के लिए आप सभी तैयार होंगे। ऐसे कोई हैं? हम भी ऐसी दुनिया में जाना चाहते हैं, दैवी दुनिया में जाने के लिए तैयार होना पड़ेगा। कहीं भी कोई जाते हैं तो तैयार होते हैं, वस्त्र बदलते हैं, कपड़े बदल करके तैयार होकर के ही जाते हैं। दैवी दुनिया में चलने के लिए तैयारी करनी होगी। किन किस किस बातों की तैयारी करनी होगी? श्री कृष्ण की दुनिया दैवी दुनिया है, श्रेष्ठाचारी दुनिया है, तो दैवी दुनिया में चलने के लिए दैवत अपने अंदर दैवी गुण धारण करने होंगे। शांति, प्रेम, सुख, आनंद, ऐसी दुनिया में चलना चाहते हैं तो उसके लिए फिर पहले पढ़ाई पढ़ना होगा, गुणवान बनना होगा। गुणवान बनेंगे तो बाबा शिव बाबा भगवान आपको ऐसी दुनिया का मालिक बना देंगे। तो आप सभी आए हैं, बहुत हमें खुशी हो रही है देख करके। तो छोटे बड़े सब जितने भी हैं वो सब चलने के लिए तैयार हैं, दैवी दुनिया में चलने के लिए तैयार होंगे। हैं वहाँ मुकुटधारी, बंसरी बजाने वाले, श्रेष्ठाचारी, दैवी सृष्टि के मालिक बन करके सर्व आत्माओं को सुख देने का नज़ारा देखना हो तो उसके लिए थोड़ा समय निकालना पड़ेगा, पढ़ाई पढ़ना पड़ेगा। जो श्री कृष्ण की दुनिया में राज्य में जाना चाहते हैं उस राज्य में जाने के लिए तो उस राज्य के अंदर जो भी कलाएं हैं, जो भी गुणवान है, वो सब बनना पड़ेगा। तो इसलिए हमारी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि समय अपने घर समाज परिवार से एक घंटे का समय निकाल करके देवताओं की दुनिया में चलने के लिए पढ़ाई तो पढ़नी पड़ेगा। होता है कोई भी राज्य में जाना होता है तो उसके लिए सभी बातों की जानकारी चाहिए। श्री कृष्ण की दुनिया कैसी थी? सुखमय संसार था। ऐसा आप लोग छोटे छोटे टीवी में भी नाटक वगैरह देखते हैं कि श्री कृष्ण की दुनिया में संपूर्ण सुख था, शांति थी, प्रेम था, आनंद था, सभी एक दो के साथ प्यार से रहते थे। तो ऐसा संसार, ऐसी दुनिया अब आने वाली है और यह कलयुगी नरकीय दुनिया जाने वाली है। तो नरक की दुनिया से दिल हटाना है और दैवी दुनिया से दिल लगाना है। ऐसे उसके लिए फिर ज्ञान योग सीख करके अपने आप को सुख में बनाना है। तो इसलिए भगवान ने ऐसे जगह जगह स्थान बनाए हैं
जहाँ पर देवताओं के संसार में चलने के लिए अर्थात देवता बनने के लिए ये पढ़ाई पढ़ाई जाती है। इस पढ़ाई को प्रतिदिन रोज पढ़ना है और पढ़ करके अपने जीवन को देवता बनाना है। इसलिए आप लोगों से हमारी अर्जी है, बाकी मर्जी तो आपकी है, कि श्रेष्ठ दुनिया में चलने के लिए ये पढ़ाई पढ़ेंगे जिसकी कोई फीस नहीं। जिसकी कोई फीस नहीं, उसकी फीस क्या है मालूम है आप लोगों को? देवता बनने के लिए जो पढ़ाई पढ़ाई जाती है स्कूल में, उसकी फीस क्या है मालूम आप लोगों को? मालूम है? किसी को मालूम हो तो हाथ उठाए। देवता ही पढ़ाई पढ़ने के लिए, क्योंकि पढ़ाई में खर्चा तो होता ही है, फीस तो देनी पड़ती है, तो देवताओं के संसार में जाने के लिए जो पढ़ाई है उस पढ़ाई में क्या फीस देनी पड़ती है? बताएंगे कोई? समय नहीं, समय तो आप कहोगे फुर्सत नहीं है, नौकरी है, घर है, धंधा है, हैं? पवित्रता। अच्छा, और बताएं कोई, किसी को मालूम हो तो? क्या क्या फीस दे इस पढ़ाई को? कोई पढ़ाई पढ़ना चाहते हैं ये पहले तो ये बताएं, कोई पढ़ना चाहते हैं हाथ उठाएं, जो ज्ञान योग सीखना चाहते हैं, इस ईश्वरी विद्या दैवी दुनिया में चलने के लिए पढ़ना चाहते हैं, कोई है ऐसे हाथ उठाओ? नहीं, एक आत्मा है बस। अरे वाह, एक ही चलेंगे बाकी? फीस मालूम है क्या है इस पढ़ाई को पढ़ने के लिए? फीस क्या है आप लोगों को पता है? बहुत भारी फीस। आप लोगों को पता है? भाई लोग बताएं फीस क्या है, आपको मालूम है विधायक जी फीस क्या है मालूम है आपको? नहीं, फीस के बगैर तो स्कूल में एडमिशन ही नहीं होगा। फीस के बगैर तो एडमिशन ही नहीं होगा। हाँ, फीस क्या देनी पड़ती है? पांच खोटे पैसे और एक आना। एक आना माना रोज क्लास में आना। और पांच विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये फीस देना। ठीक है, ये ठीक है? चलो, उन्होंने भी हाँ कर दिया। तो ये तो कोई कठिन काम नहीं ना, छोड़ सकते हैं पांच विकार, छोड़ सकते हैं पांच विकार। छोड़ेंगे तो देवता बन जाएंगे। देखो, आपके सामने चित्र रखे हुए हैं देवताओं के ऐसे संसार में जाने का। मेरे को तो ये चित्र पीछे जो लगे ना, बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसी दुनिया में जाने के लिए हम तो संपूर्ण रीति से तैयार हैं। आप लोग चलेंगे स्वर्ग में, नई दुनिया में देवताओं के चलेंगे? भाई क्यों उठ गया? चलेंगे? कोई हैं जाने वाले? हैं मणिम, थोड़ा छोटा सा हाथ दिखा रहे हैं, इसलिए ये हमारे हमारे परिवार वाले ना देख लें कहीं। चलो भाई, अच्छा है। चलो भाई, ये भी हंसी की बात होगी। बहुत अच्छा, बहुत खुशी है जन्माष्टमी की। आप सभी को बधाई हो, मुबारक हो। श्री कृष्ण के राज्य में चलो, हमको भी, हम भी चलेंगे, आप भी चलो, अच्छा लगेगा। उसके लिए पता है क्या करना पड़ता है? उस दुनिया के राज्य में चलने के लिए देह और देह के संबंधों को अभी त्याग करना पड़ता है। आप अपने अपने घर में जाके पूछिए कि हम श्री कृष्ण की दुनिया में जा रहे हैं, आप चलोगे? कोई भी हाँ नहीं करेगा।
आप लोग जाना अपने अपने घर में, पूछना पति से, भाई से, बच्चों से, परिवार से, श्री कृष्ण की दुनिया आने वाली है, ये नारकीय दुनिया जाने वाली है, तो आप लोग चलेंगे? अच्छा है, घर में ज्ञान का वार्तालाप भी हो जाएगा और थोड़ा हंसी भी हो जाएगी, खुशी भी हो जाएगी। अच्छा जी, ओम शांति।